एसआर लेडीज दिस इज शाविस खान, आज आपके सामने आ जाती है। हमने एक वीडियो बनाई है जो जीन्स की पैंट होती है उसकी जिप को कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में हमारी वीडियो है। तो अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए वीडियो के लास्ट में जाके उसको लाइक कर दीजिए, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, जीन्स की पैंट वाली जिप को किस तरीके से चेंज किया जाता है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमने एक जीन्स की पैंट है उसकी जिप खोल के रखी हुई जो ख़राब हो गई थी, नई जिप किस तरीके से लगाएंगे उसके बारे में आपको हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, एक एक स्टेप आपको दिखाएंगे। आसान एकदम सिंपल तरीका होता है लगाने का, सिर्फ थोड़ी सी उसके अंदर सावधानी बरतनी होती है, कुछ टैक्टिक्स होती है उनको देखना पड़ता है बस किस तरीके से लगानी है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमें पहली सिलाई लगानी है वो फ्लाई की जो पट्टी होती है उसके ऊपर लगानी है सिलाई। देखिए जैसे मैं इसके अंदर सिलाई लगा रहा हूँ ऐसे आपको भी सिलाई लगानी है, ये देखिए। अब इसको पूरा करने के लिए सुई को अंदर रख के लॉक को ऊपर चढ़ा दिया है, फिर जब पूरी सिलाई लग जाएगी तो इसको निकाल लेते हैं, ऐसे काट के ऐसे काट दिया हमने इसको, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली सिलाई, जो फ्लाई की पट्टी जो होती है जो चेन के नीचे पट्टी लगी होती है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी। अब हम सबसे पहली जो सिलाई लगाएंगे इसके अंदर कौन सी लगाएंगे, जो हमारी राइट साइड की तरफ जो चेन का हिस्सा होता है हमारा, पहले उसको सिलेंगे हम, जिधर हमारा बटन होता है जीन्स का जो बटन होता है उस वाली तरफ पहले हम सिलेंगे। इसको सिलने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ऐसी सिलाई लगानी है और एक पैर का गैप छोड़ना है उसमें, जिप का जो मेटल का हिस्सा होता है उससे सिलाई के बीच में एक पैर का गैप छोड़ना है, ताकि वो जो रनर है जो जिप का लॉक है वो आसानी से चल सके। बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगानी है इसमें, क्योंकि जो ये मेटल की जिप होती है इसका जो लॉक होता है थोड़ा मोटा होता है, तो इसलिए इसके लॉक को चलने, रनर को चलने के लिए इसको अंदर थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। देखिए एक पैर की पूरी सिलाई लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर, ये देख रहे हैं आप, ये सिलाई लगा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो फ्लाई पट्टी जो दूसरी वाली साइड होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर फ्लाई पट्टी होती है उसकी सिलाई लगाएंगे, जो किस तरीके से रहती है वो बताते हैं आपको। देखिए इसको पहले हम बराबर मिला के ऐसे, ये देखिए इस तरीके से बराबर मिला के और उसको पकड़ लेंगे, ये देखिए। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि बराबर मिल जाए, बस वो आराम से तसल्ली से पकड़ना इसको, ये देखिए पकड़ के ये पकड़ में आ गए, बिल्कुल सीधा आ रहा है एकदम, बिल्कुल कोई झोल वोल नहीं आ रहा है, और इसको हमने ये देखिए ऐसे पकड़ लिया। अब इसके अंदर एक कच्ची सिलाई मार के देख लेते हैं कि इसमें झोल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कच्ची सिलाई जब मारेंगे फिर उससे पता चल जाएगा हमें झोल आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर बिल्कुल ठीक है फिर इसको तोड़ के हम उधर उसको पकड़े रखेंगे, दूसरी साइड से पकड़ के सिलाई को तोड़ के उधर से दूसरी तरफ से सिलाई लगा देंगे उसको। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये देखिए ठीक है, वो अभी हमने कच्ची सिलाई लगा रखी थी उसको तोड़ दिया, ये देखिए। अब वो मैंने पकड़े रखा, लेकिन तोड़ते समय मैं जिप को मैंने छोड़ा नहीं था, जिप को पकड़ के रखा ताकि जिप जो है हमें कहाँ से फिक्स करनी है वो हमें पता चल जाए। ये इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा दी, और इसमें ध्यान रखते हैं, देखिए जब हम जिप लगाते हैं तो इसमें बिल्कुल किनारे अंदर जिप में ना बिल्कुल अंदर को सिलाई नहीं लगाते हैं, मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाना पड़ता है ताकि रनर आसानी से चले। अभी हमारी जो पट्टी है इसकी सिलाई थोड़ी खुल गई है, इस सिलाई को जो है अच्छे से दोबारा से लगा लेते हैं, ये वाली सिलाई खुल गई हमसे, इसको दोबारा लगा लेते हैं। ये ऐसे ही जिप लगाते समय कई सारी और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उनको भी मैंने ना कट नहीं कराया, मैंने एकदम एक टेक में ही पूरा कोशिश करी है कि बनाने की कोशिश करूँ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको सब तरीके से पता चल जाए कैसे हमने इसको पकड़ा, कैसे उसको रखा मशीन में, किस तरीके से सिलाई लगाई, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये देखिए उसकी हमने लब की सिलाई भी मार दी फ्लाई की, ठीक है ये तरीके से। और हमारा जो चैनल है उसका नाम है एसआर लेडीज दर्जी, जिसके ऊपर हम सिलाई से जुड़ी हुई सभी तरीके की वीडियो उस पर डालते रहते हैं। ये देखिए ऐसे इसको पकड़ लेना है हमें, बिल्कुल बस साध के रखना है और ये ऊपर से एक सिलाई मार देंगे, ठीक है
ये ऊपर से एक सिलाई मार दी। अब इस सिलाई को नीचे जब जहाँ पे गोलाई आई हुई है ना, गोलाई पे लाते समय ध्यान देंगे कि जो उसका जिप का जो लॉक है या जिप का जो मेटल का हिस्सा है, दांता जो इसको बोलते हैं, वो सुई के नीचे ना आ जाए, उसको ध्यान से देखना। देखिए आराम से ये निकालेंगे, देखिए ये हमने मार्जिन को, देखिए जो मार्जिन जो हमने पहली पट्टी सीली थी फ्लाई वाली, जिसमें हमने फर्स्ट सिलाई लगाई थी, उसको हटा के रखना है यहाँ तक जब तक सीधी सिलाई है, जहाँ से सिलाई घूमेगी उसके बाद उसको दोबारा अंदर लगा देना है ताकि वो उसके अंदर दब जाए। यहाँ पे आराम आराम से एक एक टांका लेके उसको सिलाई को पूरा कर लेंगे। ये देखिए, और जो हमने नीचे तक पूरी सिलाई खोली थी इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका है। तो मैं कह रहा था मेरे हमारे चैनल पे एसआर लेडीज दर्जी पे सिलाई से जुड़ी हुई सभी तरीके की वीडियो मिलती है। आप चैनल पे अगर नए हैं, आपने पहली बार हमारी वीडियो को देखा है या पहले भी देखा है लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, ताकि हमें जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाएं वो आपको सबसे पहले आपको पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी वीडियो अपने चैनल पर बनाई है। ये देखिए, ये दूसरी सिलाई हमने इसके अंदर मार दी है। ठीक है, वो सिलाई मार दी थी। अब ये देखिए सेकंड वाली सिलाई इधर से भी मार दी, वहाँ से लग नहीं रही थी तो यहाँ से लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि वो जिप जो है बचा के टांका लगाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे जिप का वो आ रहा है, बचा लिए, हो गया सही। और अगर हमारे चैनल पे आप पहले से आते रहे, पहले हमारी वीडियो देखी है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है और आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करके बताया करें भाई कैसी वीडियो लगी है आपको, अच्छी लगी है बुरी लगी है, या अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तब भी कमेंट करके हमें बता दिया करें कि भाई क्या चीज़ मुझे अपनी वीडियो में सुधारना चाहिए, क्या आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें और क्या क्या चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो सब आप हमें बता सकते हैं। और जल्दी से वीडियो को देखिए, वीडियो आपने यहाँ तक अगर देख लिया है, 7 मिनट के करीब वीडियो हो गया है, और अगर आपने इतना वीडियो देख लिया तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना प्लीज़ 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 मत भूलना, आपकी लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन होता है और हमारी जो वीडियो होती है वो लोग और दूसरों तक, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो दूसरों तक पहुँचाता है, जितनी वीडियो लाइक होती है उतनी ही वो आगे बढ़ती है। तो आप लोग हमारा प्लीज़ इस चीज़ में हमारा भी साथ दीजिए। देखिए हमारी जिप लग गई है पूरी। किसी भी तरीके की वीडियो आपको देखनी है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे तो मिल सकती है। जो वीडियो अभी हमने नहीं बनाई है उस पर कमेंट कर सकते हैं, आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है वो भी हम सिलाई से जुड़ी हुई जो वीडियो होती हैं आपके लिए ज़रूर ले आएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए हमारी जिप वगैरह सब सिल गई हैं, जैसे जैसे हमने खोला था बस वैसे वैसे उन सब जगहों को बंद कर दिया हमने। बहुत आसान होता है जिप लगाना, थोड़ा सा लगता है देखने में टेढ़ा काम है, बट जब करने बैठेंगे आप 2 या 4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर लगाना आ जाएगी। ये देखिए बहुत आसान होता है, और हम सभी तरीके की जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ सब में मेरी यही बात रहती है, मैं यही कहता हूँ कि देखिए वीडियो देखने से आपको सिलाई नहीं आती है, सिलाई आती है सिलाई करने से। आप यहाँ से सिर्फ ये देख सकते हैं कि आपको क्या किस तरीके से करा हमने, तरीका समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगी हाथ में सफाई लाने के लिए। ये सभी जो चेन लगाने के बाद सारे धागे वागे काट देते हैं, चला के देख लेते हैं जिप कैसी लगी है। ठीक है जी, ठीक ठाक लग रही है, तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और आप जल्दी से देखिए, आपने अगर लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और सिलाई से जुड़ी सभी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। एसआर लेडीज़ दर्जी से मैं शावेज़ खान, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में।